हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेंगलुरु स्टाइल रवा इडली। रवा इडली बनाने के लिए हमने लिया है एक कप हमने सूजी लिया है, ये जाड़ वाला सूजी हमने लिया है, हाफ कप हमने दही लिया है, ये थोड़ा धनिया पत्ती हमने कट करके लिया है, तो हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके ली है, ये एक टीस्पून हमने चना दाल लिया है, एक टीस्पून हमने उड़ीद दाल लिया है, ये 15-20 काजू हमने लिए हैं, एक टीस्पून हमने राई ली है, 15-20 हमने करी लीव्स लिए हैं, कड़ी पत्ता, ये एक इनो का सैचे हमने लिया है। स्वादानुसार हमें नमक लगेगा, ऑयल हमें तड़के के लिए लगेगा और पानी हमें बैटर बनाने के लिए लगेगा। तो आइए रवा इडली बनाना शुरू करते हैं। तो ये पहले हम एक कप रवा लेते हैं, इसमें ये आधा कप हम दही डालेंगे, ये स्वादानुसार हम नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और दही और रवे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड, इसे हम 20 मिनट के लिए अभी ढक के रख देंगे। आइए फ्रेंड, जब तक हमारा रवा इडली का बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है, ये एक हमने छोटे साइज का नारियल लिया है, ये 1/4 कप हमने मूंगफली ली है जिसका हमने छिलका उतार लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है, 2 हरी मिर्च ली है, ये 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है। स्वादानुसार हमें नमक लगेगा और चटनी बनाने के लिए पानी लगेगा। तो आइए पहले हम चटनी बना लेते हैं। ये सभी चीज़ें हम अभी मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। ये नारियल है, ये मूंगफली ली हमने, ये जीरा है, नमक, 2 हरी मिर्चे है जिसे हम अच्छे से तोड़ के लेंगे, और ये थोड़ी धनिया पत्ती हम इसमें ऐड करेंगे। पहले हम इसे ड्राई ही ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसमें पानी मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम चटनी को थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे। अब हम नारियल की चटनी के लिए थोड़ा तड़का बना लेते हैं। ये हमने छोटा 1 टीस्पून ऑयल इसमें डाला है, जिसमें हम ये थोड़ा सा राई डालेंगे, राई चटकने के बाद हम इसमें हींग डालेंगे, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे और ये थोड़ा सा करी पत्ता हम इसमें डालेंगे, और ये रेड चिल्ली हम इसमें डालेंगे। अब हम ये तड़का इसके ऊपर डालेंगे। ये हमारी नारियल और मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे रवा इडली के साथ सर्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर हम चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हमने इसे रखा है कि अब हम इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली कर लेते हैं, जैसे कि हम इडली का देखते हैं। हमने इसे आधा ग्लास पानी डाला है, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी कंसिस्टेंसी इडली के बैटर जैसी हो गई है। अब हम इसे तड़का लगा लेते हैं। अब हम इडली का तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए हम ये छोटे वाले 3 टीस्पून हमने ऑयल डाला है। ये हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम ये राई डालेंगे, राई चटकने पे हम इसमें ये चना दाल और उड़ीद दाल डालेंगे, इसे थोड़ा रोस्ट करेंगे,
ये हम हरी मिर्ची डालेंगे, ये हींग है, एक पिंच हम हींग डालेंगे, करी लीव्स है, और साथ में काजू डालेंगे। तड़के को हम थोड़ा भून लेंगे और इडली के बैटर में मिक्स करेंगे। अब ये तड़का हम इसमें मिक्स करेंगे। ये धनिया पत्ती है, ये भी हम इसमें मिक्स करेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इडली मोल्ड है जिसे हम थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेते हैं। ये इनो का सैचे अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसे तुरंत वन डायरेक्शन में इसे टक हिला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कि एकदम फ्लफी हो गया है बैटर। अब हम इसे हमारे मोल्ड में डाल लेते हैं। ये मैं अभी इसे मोल्ड में डालती हूँ। जितना बैटर, जितने के हमें इडली बनानी है उतने बैटर में ही हमें इनो डालना है। इनो पहले से डाल के नहीं रखना है, नहीं तो इडली फ्लफी नहीं बनेगी। ये इडली का कुकर हमने गैस पे रखा है, इसमें हमने दो ग्लास पानी डाला है। ये पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ये जो इडली हमने भर के रखी है ये डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल के चेक करते हैं। ये देखिए हमारी इडली बहुत ही अच्छे से फूल गई है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्टिक अच्छे से निकली है। मैं अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इडली को थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे बेंगलुरु स्टाइल रवा इडली बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक इडली मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि वो कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही स्पॉन्जी बना है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी इडली। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।